हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं तो अच्छी नहीं हूँ। आज मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। बुखार हो गया था सुबह ही, बहुत तेज़ बुखार हुआ है। खांसी तो हो ही रही थी और बुखार भी हो गया लग रहा मुझे ना बुखार। कल इतने सारे कपड़े धोए थे ना मैंने, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो लग रहा सर्दी लग गई है। तो ये अभी आए थे, दवाई लेके आए हैं, दवाई खांसी की और गोलियां। दवाई ना मुझे खाने में बहुत वो लगता है, अब दवाई खाऊंगी। और बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, बच्चों के 11 बजे से ट्यूशन शुरू हो गया है, 11 बजे चले गए हैं। गला भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है और मन नहीं कर रहा, और सब काम भी ऐसे ही पड़ा है। आज कुछ भी नहीं हुआ है, घर देखो सब ऐसे ही फैल रहा है। अभी यहाँ आए थे, ये चाय वाय बना के देख गए हैं, बोल रहे थे अभी आराम करो, पर अकेले जाने कहाँ आराम होता है बताओ। कोई करने वाला नहीं है, हम आराम करें कि काम करें बताओ। काम पड़ा है तो काम भी तो करना है। तो चलो देखती हूँ, पहले दवाई लेती हूँ, फिर धीरे धीरे आराम आएगा तो फिर काम भी करूँगी, क्योंकि घर में सब ऐसे ही फैल रहा है तो मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो मैं दवाई ले लूँ पहले, फिर मैं काम करूँगी। थोड़ा आराम सा आ जाएगा ना तो फिर करूँगी मैं काम। डॉक्टर ने गर्म पानी बोला है पीने के लिए, तो मैंने गर्म पानी कर लिया है। दवाई दी है ये वाली, ये दोपहर में खानी है बुखार की, और ये रात में खानी है। अभी तो ये खानी है बस एक गोली। आई गला बहुत ज्यादा दुख रहा है। दवाई लेने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ये पीने की दवाई दी है खांसी की, तो मैं इसको पी लूंगी एक ढक्कन। और जब कुछ हो जाता है ना तो ऐसा लगता है हम कब ठीक होए, कब काम करें। और जब काम करते हैं जब ऐसा लगता है हमें कुछ हो जाए तो हमें थोड़े दिन का आराम मिल जाए, पर जब कुछ हो जाता है ना फिर ऐसा लगता है जल्दी से बस ठीक हो जाए। चक्कू से फोड़नी पड़ेगी लग रहा। कैसी है? स्ट्रॉबेरी सी लग रही है। दवाई पीने में मैं गोली तो फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन ये जो पीने वाली होती है ना ये मुझे बहुत दिक्कत करती है। मैंने इनको मना करा था, मैंने कहा तुम गोली लेके आना, पीने वाली मत लाना, लेकिन फिर भी ये पीने वाली भी ले आई। तो यहाँ मैं दवाई लेने के बाद थोड़ी देर लेट गई हूँ, और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं। बुखार इतनी तेज़ था कि दो दो रजाई ओढ़ रखी थी। सर्दी से बुखार हुआ था मुझे, बहुत ही तेज़ बुखार हुआ है। तो दोनों बच्चों को मैं अपने गोलू मेरे पैर दबा रहा है और परी हाथ दबा रही है। तो मैं उस कह रही थी इनको थोड़ी देर दबा दो, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बच्चे बेचारे ट्यूशन से आए और मेरे हाथ पैर दबाने लगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और कल ना मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बाद में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। बुखार शाम हो गई थी, कल बुखार उतरा ही नहीं था। दो दो बार दवाई ले ली थी फिर भी बुखार नहीं उतरा था, तो बस मैं दवाई खा के लेटी रही थी। और सब काम ऐसे ही पड़ा था, पूरा सुबह किया है और आज देखो फ्रेंड्स, आज परी को बुखार हो गया है परी बुखार हो गया, मेरी परी को भी बुखार हो गया। और हमें कुछ हो जाता है तो हमें तो कुछ नहीं, पर बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो मन बस ऐसा ही हो जाता है। आज परी को बुखार हो गया, सुबह ही जैसे ही उठी थी आज उसकी सुबह ही, पर कल मैं उठी थी सुबह ही तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी, और आज ये उठी है सुबह ही, सो के उठी थी जैसे ही, वैसे ही इसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। देखो रो क्यों रही हूँ मैं परी। और इसको कुछ हो जाता है ना बस ये रोती रहती है, और फिर मुझे ना वो लगता है एकदम, हमें कुछ हो जाता है हम तो नहीं रोते। कल मुझे पूरा दिन इतना बुखार था, मैं रोई थी बताओ? मैं रोई थी क्या कहीं? और तू सुबह से ऐसे ही रो रही है, ऐसे ही रो रही है, पेट में भी दर्द हो रहा है। दवाई दी हूँ इसको, बुखार उतर जाएगा अब।
क्या करें, घर में मन नहीं लग रहा। एक तो काम भी पड़े रहते हैं, ऊपर से मैं तो हो ही रही थी बीमार, और इसकी भी तबीयत ऐसी हो गई। तो अब देखो खाना बनाऊंगी। नाश्ता तो कर लिए थे हमने, सुबह ही पराठे बनाई थी आज। इनके पापा ने बहुत हेल्प कराई है आज, उन्होंने बर्तन साफ़ किए थे, बहुत सारे बर्तन हो रहे थे, उन्होंने बर्तन साफ़ करके गए थे। और बस मैंने झाड़ू लगाई थी, झाड़ू पोछा, थोड़ी सी सफाई की थी और नाश्ता बनाया था। परी रो जाओ मत, चुप हो जाओ, अभी दवाई दे दियो ना मैं आपको, ठीक हो जाओगे आप, है ना। रोते नहीं है बेटा, रोते थोड़ा ही ना है, ठीक हो जाओगे। बताओ क्या खाओगे आप खाने में, हाँ क्या बनाओ? कुछ भी, चलो देखती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ कुछ। तो मैं अब बिस्तर से उठ गई हूँ। मैं सोच रही थी के अब लेटे लेटे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत देर तक लेटी रही और फिर मैं उठी, फिर मैं नहाई हूँ और बस बहुत तेज़ तेज़ से गर्म पानी में नहाई कि जैसे थोड़ा शरीर का कड़ाहट भी उतर जाए। और नहाने के बाद मैं यहाँ अपने बाल कंघी कर रही हूँ। बाल कंघी करे भी ना 2-3 दिन हो गए थे और बालों की इतनी बुरी हालत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बाल कंघी करी हूँ और वही बिंदी लगा रही हूँ। ज़्यादा तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था ऐसी हालत में, पर हल्का सा तो कर ही हूँ क्योंकि फेस इतना बेकार हो रहा था, 2 दिन से ऐसे ही लेटी थी। तो मैं यहाँ बाल कंघी कर रही हूँ और मेकअप करने के लिए कुछ भी सामान नहीं मिल रहा, बहुत ढूंढी हूँ तब जाके ये छोटा छोटा कुछ सामान मिला है। क्योंकि मेरा ना सब सामान वहीं पर रह गया, घर घर गए थे ना गाँव में अपने ससुराल, तो सब सामान मेरा वहीं रह गया, मैं वहीं भूल आई हूँ। तो जो भी मुझे मिला बस मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है तो खाना तो हमने खा लिया है। और मैं एक ना खीस आया था कहीं से हमारे यहाँ, आप लोग इसको जानते होंगे, जो गायें भी आती हैं ना तो वो दूध होता है कच्चा दूध, तो उसी का खीस बनाते हैं। तो ये ना कहीं से लाए थे रात, कोई जानने वाले हैं उन्होंने दिया था, तो मैंने सोचा कि ये रखा है चलो इसको भी कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना किया था क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था, तो इसको हम पी लेंगे। अब बच्चे हैं, मैं हूँ और तो ये तो नहीं है, तो इसको मैंने कर लिया है कटोरी में, इसको हम पी लेंगे। और ये ना बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को पसंद होता है किसी को नहीं, तो आप में से किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगता है वैसे तो। इन्होंने ना शक्कर डाल रखी थी, नहीं तो उसमें चीनी भी डालते हैं, कच्चे मीठे का बना रखा था, तो अच्छा लगता है। और यहाँ शाम का टाइम हो गया है, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। उड़द राजमा बनाऊंगी आज ना मैं वो बना रही हूँ उड़द राजमा। ये उड़द है, इन्हें साफ कर लिया, इनमें ना बहुत ज्यादा गंदा था तो मैंने साफ कर लिया है। और ये राजमा है, इसको मैंने भिगा दी थी, इसको मैं अब करके कुकर में बनने रख दूंगी। इनको भी डाल के ना मैं इनको धो के और नमक डालूंगी, बस नमक और हल्दी डाल के उबालने रख दूंगी। इसको मैंने धो के अच्छे से रख लिया है साफ पानी में एकदम, मैं इसको गैस पे रख दूंगी और इसमें नमक और हल्दी डालूंगी बस। राजमा उड़द उबलने रख दिया है और इतने ये उबलेगा इतने मैं यहाँ अपनी बाकी की तैयारी कर रही हूँ, अपना मसाला तैयार कर लूँगी। मैंने 2 प्याज ली है और थोड़ा सा लहसुन लिया है, तो मैं इसको छील कर रख लूँगी। तो ये मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, 2 टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन और हरा धनिया, तो मैं इसको चॉप कर लूँगी। तो मैं सबसे पहले प्याज और लहसुन को चॉप करूँगी, दोनों को एक साथ में। तो इन दोनों को एक साथ में चॉप करने के बाद मैं अपने और अलग अलग चॉप करती हूँ ना मैं सब कुछ,
तो यहाँ मेरा मसाला चौक हो गया है, मैं यहाँ चावल की तैयारी कर रही हूँ। उधर मैंने चावलों का पानी रख दिया है भिगोने में, तो मैं इन चावलों को साफ़ करके और इनको धो के भिगा के थोड़ी देर रख दूँगी। इतना मेरे पानी उबलेगा, इतने मेरे चावल थोड़ी देर भीग जाएंगे। और इधर मेरे कुकर खोल के देख रही हूँ, देखती हूँ इनको हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बहुत सिटी लगानी पड़ती है इनमें ना, बहुत ही टाइम लगा था बनाने में, क्योंकि ये राजमा ना मैंने जल्दी में भिगाई थी, ऐसे ही सुबह ही भिगाई थी और शाम को बनाने का वो था ना, तो बस हो ही गई थी। बहुत टाइम लगा था, 2-3 बार खोल के देखी हूँ बार बार। तो इधर मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई और इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल भी मेरा गर्म हो गया है। मैंने इसमें प्याज और लहसुन जो चॉप करके रखा था ना, वही डाल दिया है। और इधर मैं अब टमाटर चॉप कर रही हूँ अपने, तो टमाटर और अब मैं करूँगी चॉप टमाटर और हरी मिर्ची चॉप। तो मैं इनको चॉप करके और जो अदरक था ना उसको मैं कद्दूकस करके डालूंगी, क्योंकि वो ना फिर मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको अब चॉप कर लूँगी। फिर मैं इधर मेरी प्याज हो रही है, इतने मेरी प्याज भी हो जाएगी और टमाटर भी चॉप हो जाएंगे, तो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे बनाने में ना बहुत टाइम लगा था, तो इधर मेरी प्याज भी हो गई है और ये जो टमाटर चॉप करके रखे थे ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें बाकी के अपने मसाले डालूँगी, वही जैसे थोड़ा सा, थोड़ा नमक तो मैंने पहले डाल दिया था इसमें, थोड़ी हल्दी डाल दी थी पहले, तो थोड़ा नमक अब डालूँगी और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ अब, और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको भून लूँगी मसाले को खूब अच्छे से, और अदरक डाल दूँगी। और मेरे पास ना वो नहीं था जीरा और हींग, आज जब मैं सब्जी छोंकने चली ना, जब ये दाल को मैं मसाला करने लगी तब मुझे ध्यान आया वो तो है ही नहीं, तो मैंने कर लिया था फिर ऐसे ही, मैंने कब कौन लेने जाएगा। तो बस ये मेरा मसाला हो गया है और मैंने इसमें ये डाल दी है जो उबाल के रखी थी बड़ा दो राजमा, और ये पक गई है, खूब अच्छे से पकाई हूँ उसको, और हरा धनिया डालकर अब मैं इसको रख दूँगी। बहुत अच्छी बनी थी फ्रेंड्स उड़द राजमा की सब्जी वो दाल। और इधर मैं बच्चों की प्लेट लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना देना है, परी को बुखार हो रहा है, परी को खाना खिला दूँगी और दवाई दे दूँगी फिर। और चावल बनाए थे लेकिन हम लोग चावल नहीं खाएंगे, परी और मैं, बस गोलू खाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स प्लेट भी लगकर हो गई है, हमारा खाना वाना सब हो गया है रात के टाइम का, और मैंने सब काम कर लिया, बर्तन भी साफ़ कर लिया और खाना भी खिला दिया बच्चों को, खाना वाना खिला दिया, बच्चे लेटे हैं और परी को ना बुखार हो रहा है बहुत ज़्यादा, गोलू यहाँ लेटा है। अभी इनके पापा नहीं आए हैं, 9:30 बजने वाले हैं, आज आए नहीं अभी तक का। तो चलो फिर मैं इस वीडियो का यहीं पैंड करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं ना कोशिश करती हूँ कि वीडियो छोटे से छोटा बनाऊँ, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो चलो फिर इस वीडियो का यहीं पैंड करती हूँ, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और मेरी ना लाइव भी चालू हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी लाइव में भी आया करो। तो चलो फिर मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।